बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 क्योके गौरी का कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का आगाज़ कर चुके हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स क्या होती है, कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स क्या होते हैं। फिर हमने एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट थ्योरम किया जिसके अंदर हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया और वहाँ से फिर एक रिज़ल्ट निकाला कि अगर दो फोर्सेस हमारे पास हों और उनका दरमियानी एंगल हमें मालूम हो तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। ये देखें, दो फोर्सेस थी, एक फोर्स थी पी पी इज इक्वल टू ओ ए, एक दूसरी फोर्स थी क्यू ओ बी के बराबर। हमने फिर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट की थी, उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के बाद बाय पैरेललोग्राम लॉ फोर्सेस हमने कहा कि ये जो डायगोनल होगा ओ सी इज इक्वल टू आर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू। फिर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और इसका नाम रखा था सी एल, और पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने आर की लेंथ कैलकुलेट की थी। ओ एल का स्क्वायर प्लस सी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर या ओ सी का स्क्वायर। और हमने ये भी सपोज किया था कि पी और क्यू का दरमियानी एंगल अल्फ़ा है और आर जो फोर्स पी के साथ एंगल बनाती है वो एंगल थीटा के बराबर है। तो रिजल्टेंट हमने निकाला था आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा। अब यहाँ से कुछ मैं रिजल्ट अखज करने वाला हूँ, वो रिजल्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, गौर से सुनिएगा। अब ये भी तो हो सकता है कि P और Q का दरमियानी एंगल जीरो के बराबर हो, यानी P और Q दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में अमल कर रही हों, तो उस सूरत में आपका रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q cos ऑफ जीरो। और ये तो आप लोग जानते हैं कि cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो cos 0 की जगह पे जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हो व्हाट यू विल गेट, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। लुक एट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ p प्लस q, p प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो p प्लस क्यू का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड ईच अदर एंड यू विल हैव r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड इट विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चन, इज कॉल्ड the greatest resultant of two forces, greatest resultant of two forces, दो forces का greatest, इससे ज्यादा result नहीं आ सकता। okay, आइए note number 2 की तरफ चलते हैं। यह भी possibility है कि अल्फा जो है वो 180 डिग्री के बराबर आ जाए। 180 डिग्री मीन एक फोर्स इस साइड पे अमल कर रही है, एक फोर्स इस साइड पे अमल कर रही है। तो देखते हैं इस केस में हमारा रिजल्टेंट किसके बराबर आता है, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, टू पी क्यू कॉस ऑफ 180 डिग्री, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। एंड यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180,
कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस वन। तो जब आप यहां पे माइनस वन पुट करते हो तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, इसकी जगह पे माइनस वन आ जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। नाउ यू कैन सी दैट इट इज अ स्क्वायर ऑफ पी माइनस क्यू। किसका स्क्वायर है ये, पी माइनस क्यू का स्क्वायर है। तो आर किसके बराबर आएगा, पी माइनस क्यू का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड ईच अदर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। और पी माइनस क्यू ये क्या था, ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड जमा हो रहे थे, इसको हमने कह दिया ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट। और ये चूंकि दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड माइनस हो रहे हैं इज कॉल्ड द लीस्ट रिजल्टेंट, इज कॉल्ड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ टू फोर्सेस। ओके। इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं कुछ भी नहीं है, इसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया है, राइट। आइए नोट नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। अगर अल्फा जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो व्हाट इट विल हैपन, इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो फिर व्हाट विल बी योर रिजल्टेंट। आप अल्फा की जगह पे 90 पुट करेंगे तो इट विल बिकम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ 90 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, कॉस ऑफ 90 डिग्री विल बी इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज आर इन दिस केस, आर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इंटू जीरो। इन अदर वर्ड्स आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर, इट कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इट विल सेटिस्फाइड द कंडीशंस ऑफ पैरा पैथागोरस पैथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये था हमारा नोट नंबर थ्री। नाउ वी शैल सी इफ पी एंड क्यू आर इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। दिस इज ओवर नोट नंबर फोर। इफ पी is equal to q, now see what happens now because p and q are equal, therefore instead of p q you can write p, because p and q are equal we can put in place of q the value of p, and vice versa you can also put the value of p in the form of q. Okay, therefore r will become in this case r is equal to p square plus 2pp cos of alpha. This is further equal to 2p square plus 2p square cos of alpha, square root aa gaya ke upar. Any kind of problem, your answer should be no, never, not at all. Now, R is equal to, still we are discussing note number 4. You can see that 2P square is common in the bracket. I will have 1 plus cos alpha. What is the value of 1 plus cos alpha? This is the formula of trigonometry. You must know about this formula, 1 plus cos alpha is equal to 2 cos square alpha divided by 2. If there is a minus, then the formula will become 2 sin square alpha by 2.
Therefore, R becomes 2P square into 2 cos square alpha by 2. It will become 4P square cos square alpha divided by 2. When it will come out from the square root, it will take the shape of 2P cos of alpha by 2. This is a resultant when two forces are equal. कल जब हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की रिजल्टेंट आर की, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आया था? टेंजेंट थीटा वाज इक्वल टू क्यू साइन ऑफ अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कॉस ऑफ अल्फा, वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर थीटा is the angle which the resultant force makes with the force P, is the angle which the resultant force R makes with force P. If R makes an angle theta with Q, यानी अगर हम यहां पे P कर दें और यहां पे Q कर दें और यहां पे P कर दें, तो फिर फार्मूला किसके बराबर होगा? Then tangent theta will be equal to टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, चेंज हो जाएगा यहां पे आ जाएगा पी साइन ऑफ अल्फा ओवर क्यू प्लस पी कॉस ऑफ अल्फा. ओके. उसके बाद नोट नंबर 6 की तरफ आए, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का रिजल्ट है ये वाला, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये आगे क्वेश्चन आएगा उसके अंदर इस्तेमाल होना है. ये ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट और लीस्ट रिजल्टेंट, ये भी एक क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होनी है ये सारी चीजें. नोट नंबर 6, टेंजेंट थीटा अभी आपने कहा किसके बराबर होता है? क्यू साइन ऑफ अल्फा ओवर P प्लस क्यू कॉस ऑफ अल्फा. अगर P और Q आपस में बराबर आ जाए, लेट अस सपोज दैट P और Q आपस में बराबर हैं, तो Q की जगह पे P लिखा जा सकता है ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ओवर P प्लस P कॉस ऑफ अल्फा. बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से आएगा, ये P साइन ऑफ अल्फा ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, दैट विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज. ये किसके बराबर आ गया? पी कॉमन लिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर आया 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा. ये देखें, ये पी जो है पी के साथ खत्म, फिनिश, खलास. ये देखें, ये पी और ये पी दोनों आपस में कैंसल, उड़ गए दोनों आपस में, एक दूसरे को उड़ा के रख दिया इन्होंने. तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आया? साइन अल्फा ओवर वन प्लस कॉस ऑफ अल्फा. इस पॉइंट को गौर से देखिएगा, हाफ एंगल का इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं. साइन अल्फा किसके बराबर होता है? हाफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, इसका ये फार्मूला है. और 1 प्लस कॉस अल्फा का फार्मूला क्या था? 1 प्लस कॉस अल्फा का फार्मूला मैंने आपको बताया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के बराबर होता है. 1 प्लस, रिमेंबर इट, ये बड़े इस्तेमाल होते हैं ये फार्मूले
इंटीग्रेशन में भी डिफ्रेंसिएशन में भी इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर दरमियान में प्लस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, अगर साइन होगा माइनस होगा तो साइन आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक 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 ये 2 से खत्म फिनिश उड़ा दिया मैंने इसको, और कॉस अल्फा बाई 2 से ठिक्यू उड़ा दिया मैंने, ऊपर आ गया साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। अरे वाह ये क्या बन गया, ये तो बन गया टेंजेंट अल्फा बाई 2। क्या खूबसूरत किस्म का रिजल्ट आया है, ये टेंजेंट थीटा ये टेंजेंट अल्फा बाई 2। तो जब आप कंपेयर करोगे तो थीटा किसके बराबर आएगा, अल्फा बाई 2 के बराबर आएगा। तो इस रिजल्ट से हम क्या रिजल्ट अखज करते हैं कि अल्फा क्या था, अल्फा दो फोर्सेस का दरमियानी एंगल था। अल्फा क्या था, दो फोर्सेस का दरमियानी एंगल, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, टू फोर्सेस पी एंड क्यू, राइट राइट। और थीटा क्या था, थीटा जो है थीटा ये एंगल था विच आर मेक्स विथ पी, ये वो एंगल था जो रिजल्टेंट फोर्स पी के साथ बना रहा था। तो अगर दो फोर्सेस बराबर होंगी तो, अगर दो फोर्सेस बराबर होंगी तो ये बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर दो फोर्सेस बराबर होंगी तो उनका दरमियानी एंगल, ये देखिए ये उनका दरमियानी एंगल आ गया ना, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है उनके यानी ये जो रिजल्टेंट है ये एंगल थीटा बना रहा था ना, तो अब रिजल्टेंट क्या करेगा, इन दोनों फोर्सेस के दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये देखिए मैं लिखता हूं, इफ टू फोर्सेस आर इक्वल देन दियर रिजल्टेंट ऑलवेज bisect the angle between the forces P and Q। क्योंकि ये देखे ना, ये अल्फा बाई 2 का हाफ कर दिया तो वो थीटा के बराबर आ गया है, ठीक है, तो अल्फा बाई 2 का हाफ यानी इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो क्या होगा, रिजल्टेंट फिर क्या करेगा, इन दोनों फोर्सेस के दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि इफ टू फोर्सेस आर इक्वल देन देयर रिजल्टेंट ऑलवेज बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा जो है वो क्वेश्चंस करवाने की एक अपनी टेक्निक है। अब चूंकि मैंने जो आर्टिकल करवाया है तो उस आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। ये जो मेरी बुक के मुताबिक ये एग्जांपल नंबर 2 है, लेकिन अगर आप क्यू के गौरी की किताब देखेंगे तो उसके मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो अगर मैं सारे आर्टिकल्स करवा के तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा तो जो मैंने रिज़ल्ट आज आपके साथ डिस्कस किए हैं तब तक वो आप भूल चुके होंगे, लेकिन चूँकि वो रिज़ल्ट अभी आपको ताज़ा याद हैं तो इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। The greatest resultant of two forces can have is of magnitude P। कोई दो forces हैं हमारे पास, उनका greatest resultant P है। P क्या है? Greatest resultant of two forces। And the least is of magnitude Q। और उन दो forces का least resultant किसके बराबर है? Q के बराबर। कोई दो forces हैं, ये उनका greatest resultant है, ये उनका least resultant है। शो दैट दे एक्ट एट एन एंगल अल्फा। अगर उनका दरमियानी एंगल अल्फा है तो उन दो फोर्सेस का
जो फोर्सेस है उनका जिक्र नहीं किया हुआ यहाँ पे, उन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट इसके बराबर होगा। ठीक है, अब फोर्सेस के बारे में हम जानते नहीं है किन फोर्सेस की बात कर रहा है, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड और लीस्ट मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो हम फोर्स कर फर्ज कर लेते हैं, लेट द टू फोर्सेस आर टू फोर्सेस आर, एक का नाम रख लेते हैं हम F1 एंड एक का नाम रख लेते हैं F2। लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम एंड अल्फा इन दोनों फोर्सेस का दरमियानी एंगल अल्फा है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम। आओ अब स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, इन फोर्सेस का जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, पी के बराबर। जब मैंने आपको आज नोट लिखवाए हैं उसके अंदर जब आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा, ये रिजल्टेंट मैंने लिया और अल्फा को जब जीरो के बराबर पुट किया था तो आंसर किसके बराबर आया था, पी प्लस क्यू के बराबर, यानी दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, और इसको मैंने कहा था ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो यहां पे फोर्स F1 और F2 है और इनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट किसके बराबर है, P के बराबर, तो लिहाजा P फिर किसके बराबर आएगा, F1 प्लस F2, द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ एफ वन एंड एफ टू इज पी। तो देयरफोर पी किसके बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा, एफ वन प्लस एफ टू। वहां पे फोर्सेस पी क्यू थी तो पी प्लस क्यू आ गया, यहां पे फोर्सेस एफ वन एफ टू हैं तो F1 प्लस F2 आ गया। और फिर मैंने इससे अगला जो नोट था उसमें जब मैंने अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट किया तो R बराबर आ गया P स्क्वायर जमा Q स्क्वायर जमा 2PQ cos of 180 डिग्री, आपने साबित कर दिया था कि ये P माइनस Q के बराबर होता है और इसको मैंने कहा था लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो यहां पे अब दो फोर्सेस हमारे पास कौन सी हैं, F1 और F2, और इनका लीस्ट रिजल्टेंट किसके बराबर है, Q के बराबर, तो Q किसके बराबर होगा, दोनों की सब्ट्रैक्शन के बराबर, F1 माइनस F2, द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज Q is equal to F1 minus F2. Let us suppose that this is number 3. अब F1 और F2 तो हमने suppose की हैं, तो लिहाजा हमारे पास इसकी कीमतें मौजूद होनी चाहिए। तो आइए पहले हम F1 और F2 की values calculate करते हैं। अगर आप इन दोनों को add करेंगे, F2 ख़त्म, finish, खलास, आपके पास P आ जाएगा। एडिंग 2 एंड 3, तो 1 किसका नाम रखा है हमने, किसी का नहीं रखा, तो ये आ गया फिर नंबर 1 और ये नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, वन और टू को ऐड किया तो ये आ गया पी प्लस क्यू बराबर है एफ टू, एफ टू से कट गया टू एफ वन आ गया। तो एफ वन की प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों किसके वैल्यू आ गई बराबर, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू, पैक कर दे इसको, पैकिंग कर दे इसकी, पैक कर दिया, ये देखिए डिब्बे के अंदर, राइट। अब F2 की कीमत निकालते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1,
टू फ्रॉम वन करोगे तो पी माइनस क्यू विल बी इक्वल टू, पी माइनस क्यू विल बी इक्वल टू, ये एफ वन एफ टू से कैंसिल, ये प्लस का बन जाएगा तो टू एफ टू आ गया। अरे वाह, एफ टू की कीमत हमारे पास आ गई किसके बराबर, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। पैकिंग कर दें इसकी, सुरख डिब्बे में बंद कर दिया मैंने। अब हमने करना क्या है, हमने तो शो दैट अगर इन दोनों फोर्सेस का दरमियानी एंगल अल्फा है तो रिजल्टेंट इसके बराबर है, राइट। तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा, और यहां पे पी और क्यू की जगह पे क्या है, एफ वन और एफ टू, और इनका दरमियानी एंगल क्या है, अल्फा। तो फिर ये फार्मूला क्या बनेगा, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन एफ वन एंड एफ टू, देयरफोर देयर रिजल्टेंट इज देयर रिजल्टेंट इज किसके बराबर आया, आर स्क्वेयर, बाद में स्क्वेयर रूट ले लेंगे, एफ वन का स्क्वेयर प्लस एफ टू का स्क्वेयर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ अल्फा। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया मैंने, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। यहां पे है एफ वन, दो फोर्सेस, ये पी का रोल अदा कर रही है, ये क्यू का, पहली फोर्स का स्क्वेयर जमा दूसरी फोर्स का स्क्वेयर जमा टू टाइम ऑफ पहली फोर्स इंटू दूसरी फोर्स इंटू कॉस ऑफ अल्फा। अब एफ वन और एफ टू की वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं नंबर थ्री और फोर की शक्ल में, तो इन वैल्यूज को उठाकर चूक कर कहां पुट करेंगे, हम यहां पे पुट करेंगे यूजिंग थ्री एंड फोर। थ्री और फोर का इस्तेमाल करो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, तो आर किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वन की जगह पे आ गया पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू बाई टू, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर मीन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ वन की कीमत क्या है, पी प्लस क्यू बाई टू। एफ वन की कीमत और एफ टू की कीमत क्या है, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर लाने वाले हैं, ओके। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये पी प्लस क्यू का स्क्वेयर है तो इसको लिखा जा सकता है आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी का स्क्वेयर प्लस क्यू का स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू ओवर फोर। इसका स्क्वेयर खोल दिया, अब इसका स्क्वेयर खोलें, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस टू पी क्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाई फोर, ये आ जाएगा टू एंड टू फोर और एक टू कट जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वन बाई टू, ये देख रहे हैं ये टू टू से कट गया, एक टू बचेगा, ये वाला टू, एक टू टू से खत्म, फिनिश, खलास। पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये आ जाएगा कॉस अल्फा किधर गया, यहां पे कॉस अल्फा भी आएगा, राइट राइट। अब ये देखिए इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं पी स्क्वेयर बाई फोर क्यू स्क्वेयर बाई फोर
प्लस टू पी क्यू डिवाइडेड बाई फोर। अब इसकी बारी आ गई पी स्क्वेयर बाई फोर प्लस क्यू स्क्वेयर बाई फोर माइनस टू पी क्यू डिवाइडेड बाई फोर प्लस पी स्क्वेयर बाई टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस क्यू स्क्वेयर बाई टू कॉस ऑफ अल्फा। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। लेकिन ये देखें, एक तरह की रकमें हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो आपके पास क्या आया, ये देखें, ये पी स्क्वेयर बाई फोर और ये पी स्क्वेयर बाई फोर, ये तो इससे कैंसिल हो चुका ना, ये दोनों मिलेंगे पी स्क्वेयर बाई फोर, पी स्क्वेयर बाई फोर। तो मिलके क्या जवाब आ जाएगा, पी स्क्वेयर बाई टू, वो एक बटा चार जमा एक बटा चार किसके बराबर होगा, वन प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू टू बाई फोर इज इक्वल टू वन बाई टू के बराबर होगा ना, राइट। इसी तरह क्यू स्क्वेयर बाई फोर प्लस क्यू स्क्वेयर बाई फोर, ये किसके बराबर आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर बाई फोर प्लस पी स्क्वेयर बाई टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस क्यू स्क्वेयर बाई टू कॉस ऑफ अल्फा। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब ऐसा करें कि पी वालों को इकट्ठा कर दें, ये देखो ये पी स्क्वेयर बाई टू है, ये भी पी स्क्वेयर बाई टू है, तो पी स्क्वेयर बाई टू कॉमन निकालो। रिमेंबर दिस इज योर आर स्क्वेयर, पी स्क्वेयर बाई टू मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया वन प्लस कॉस अल्फा। इसी तरह क्यू स्क्वेयर, वो हो यहां पे दो आएगा, क्यू स्क्वेयर बाई टू कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आया वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा। बट इस्तेमाल होते हैं, वन प्लस कॉस अल्फा जानते हो किसके बराबर होता है, टू कॉस स्क्वेयर अल्फा बाई टू, एंड वन माइनस कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, टू साइन स्क्वेयर अल्फा बाई टू। ये फार्मूले जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बिकम पी स्क्वेयर बाई टू, साथ आ जाएगा टू कॉस स्क्वेयर अल्फा बाई टू प्लस क्यू स्क्वेयर बाई टू, साथ आ जाएगा टू साइन स्क्वेयर अल्फा बाई टू। अब ये देखें, ये टू टू के साथ खत्म, फिनिश, खलास, और ये टू टू से खत्म, फिनिश। तो आपके पास क्या आया, पी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा बाई टू प्लस क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाई टू, और ये आर स्क्वेयर था। अब मैं यहां से स्क्वेयर को खत्म करता हूं और इसके ऊपर स्क्वेयर रूट डाल देता हूं। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन में किया क्या है। दो फोर्सेस थी, उनका हमें पता नहीं था, सपोज कर ली, उनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट और लीस्ट रिजल्टेंट दिया हुआ था, इसलिए हमने एफ वन प्लस एफ टू को पी के बराबर और एफ वन माइनस एफ टू को क्यू के बराबर रख के एफ वन और एफ टू की वैल्यूज निकाल ली, और उसके बाद जो रिजल्टेंट का फार्मूला था आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर जमा क्यू स्क्वेयर जमा टू पी क्यू कॉस अल्फा, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने गिवन रिजल्ट साबित कर दिया है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हम आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारी वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और जब आप वीडियो देखें तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।